मैंने पहले ही कहा कि राज को राज रहने दीजिए, राज को राज रहने दीजिए, और 12 तारीख को जो खेला होगा वो आप देखिएगा, आगे क्या क्या होता है आप देखते रहिए। 11 तारीख को विधायक दल की बैठक बुलाई है जेडीयू ने, क्या लगता है? अच्छा अच्छा, कल माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ से भागे दौड़े गए हैं प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए। डर नहीं रहता तब प्रधानमंत्री से मिलने के लिए जाते, और वहाँ जाकर कह रहे कि नहीं अब हमको रखिए, हम अब कहीं नहीं जाएंगे। तो यहाँ भी आए थे तो कहे थे कि मर जाएंगे मिट जाएंगे, लेकिन हम बीजेपी में फिर से लौटेंगे नहीं। अब फिर वहाँ जाके कह रहे हैं कि हम आपके साथ ही अब जिंदगी भर राजनीति करेंगे। कौन सा डर सता राजनीति? अब पता नहीं, उनके व्यवहार से और उनके काम करने का जो शैली है, ब्यूरोक्रेसी हावी है पूरे बिहार में, और कार्यकर्ता जो भी नेता जीत कर आता है विधायक, तो जनता के प्रतिनिधि होता है, जनता का कहीं कोई काम नहीं हो पा रहा है, इसलिए सारे विधायक उनके खिलाफ में हैं, और इसलिए बहुत ज्यादा मत कहवाइए। 12 तारीख को हम कहेंगे सामने। लेकिन जेडीयू ने कहा है कि किसी की हिम्मत नहीं है कि हमारे विधायकों को तोड़ दे। जो है हमारे संपर्क में। अच्छा तो मान लिया कि जो एगो कहावत है ना कि रेलगाड़ी में लोग जा रहे थे, पहले रेलगाड़ी ना कहलाता था, अब ना ट्रेन कहलाता है। तो एक आदमी मारा उसको, एगो को हटने के लिए, हटो भाई भाई बैठेंगे, तो कहा कि नहीं बैठेंगे, नहीं देंगे। मार खाया तो अपने सारे परिवार को, बेटी को, बेटा को, पत्नी को, सबको मार खिलवा दिया। अंत में हटना ही पड़ा। तो कहा कि बाबा क्यों ऐसा आपने किया? तो हम अगर अकेले मार खाते तो तुम कहता कि बाबा मार खा गए, बाबा मार खा गए, इसलिए सबको मार खिलवा दिया। इसलिए जदयू वाले कुछ बोलते हैं उसका ज्यादा आरजेडी विधायक नेटिस ने की बात की जा रही। अरे आरजेडी विधायक जिंदगी में कभी कोई तोड़ नहीं सकता है। नहीं आपके ही साथी कह रहे हैं, नहीं फोन आ रहा है। नहीं हम इतने मजबूत हैं और हमारे विधायक इतने मजबूत हैं कि दूसरे को तोड़ सकते हैं, अपने टूटे नहीं। फोन आ रहा है क्या? फोन आ रहा है क्या? कोई वो जानता है कि भाई वीरेंद्र के पास कोई फोन कर ही नहीं सकता है, आपके साथी के पास। लेकिन चेतन कहा कि हम लोग तोड़ सकते हैं, तो मतलब खेला यही कर रहे हैं। नहीं हम तोड़ सकते नहीं, सब लोग नाराज इसलिए हमारे तरफ आ रहे हैं। हम किसी को तोड़ने वाले नहीं है, अब किसी को बहकाने वाले नहीं है। लोग का काम नहीं हो रहा इसलिए लोग कह रहा कि नहीं ठीक भाई, तेजस्वी यादव ने इतने कम दिनों में इतने लोगों को नौकरी दिया है, 3.5 लाख लोगों को नौकरी दिया है, इसलिए ऐसा ही नेता की जरूरत है जो बेरोजगारों को रोजगार दे। पहले लालू यादव, तेजस्वी यादव से ईडी ने पूछताछ कर ली है, कल राबड़ी देवी और मीसा भाटी। अच्छा इसके पास बचा हुआ और क्या है? केंद्र सरकार के पास ईडी और सीबीआई के अलावा बचा क्या है डराने के लिए? विपक्ष को तंग तबाह कर रही, इसलिए और ज्यादा वोट हम लोग का बढ़ रहा है। पूरे देश में विपक्षियों का एकता एक हो रहा है और वोट भी हमारा एकदम बूम कर रहा है। फोन कर रहे हैं आपके पार्टी के विधायक, कह रहे हैं कि अप्रोच किया जा रहा है लगातार। अब इसके बारे में हमको जानकारी, जिसके बारे में जानकारी नहीं मैं उस पर कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन तोड़ने की बातें आ रही है, मैं तोड़ना ही रहा हूँ। उनके उनसे नाराज लोग चल रहे हैं और इसलिए चाहते हैं कि मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव बने ताकि बेरोजगारों को रोजगार मिले। 12 तारीख को कुछ होगा इसका मतलब? पर्दे में रहने दो, पर्दे न उठाओ, पर्दा उठ जाएगा सब भेद खुल जाएगा। चल। Oh,